आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही कीड़े और तितलियां जो दुश्मनों से बचने के लिए तरह तरह के अनेकों अपने रूप बदलते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो आइए देखते हैं इनको। सबसे पहले ये जो तुम्हें दाईं तरफ तितली दिखाई दे रही है, ये एक मादा तितली है और बिल्कुल दाईं तरफ नर तितली है। बेचारी ये तितली अनेक तरह की चिड़ियों का प्रिय भोजन है। अपनी जान बचाने के लिए इस तितली का नर तो अपने रंग रूप अपनी ही जाति की मादा तितली से बिल्कुल भिन्न कर लेता है। काले रंग के इस नर को इसके दुश्मन किसी दूसरी तरह की खाने में बेकार जाति की तितली समझकर छोड़ देते हैं और ये अपने दुश्मनों से अपनी जान बचा लेता है। मादा तितली क्या करती है, वो दूसरी जाति की तितली की तरह अपना रंग बना लेती है और बीच वाली जो छोटी तितली आपको दिखाई दे रही है इसमें इतनी दुर्गंध पैदा हो जाती है कि दुश्मन इसे बेकार समझकर छोड़ देता है। अब इस तितली को ही लीजिए। ये तितली आसाम में खूब पाई जाती है। देखने में इतनी सुंदर होती है और साथ ही साथ अनेक जानवरों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी होती है। इसके दुश्मन भी इसकी खोज करते रहते हैं कि मौका लगे और इसे अपना भोजन बनाएं। अपने दुश्मनों से अपनी जान बचाने के लिए ये तितली गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। बच्चों तुम तो जानते ही हो गिरगिट रंग बदलने में बड़ी माहिर होती है। असल में गिरगिट भी अपना रंग इसीलिए बदलती है कि वो जहां पर भी हो अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरह से छिप जाए। उसी तरह ये तितली भी दुश्मन का खतरा भांपते ही अपना रंग बेहद फुर्ती से बदल डालती है। इसका नतीजा ये होता है कि इसके दुश्मन इसे पहचान नहीं पाते और इसे छोड़कर भाग जाते हैं। रंग बदलना दुश्मनों से जान बचाने का एक बड़ा ठोस तरीका है और यह तितली इसी तरीके को अपनाती है। अब इस तितली को ही लीजिए। इस तितली को जैसे ही किसी दुश्मन का खतरा समझ में आता है वैसे ही ये बिल्कुल चुपचाप किसी डाल पर बैठ जाती है। इसके साथ साथ इसके पंखों का रंग बदलकर सूखी पत्ती जैसा हो जाता है। अब बताइए भला इसमें पत्ती कौन सी है और तितली कौन सी है। यहां तक कि इस तितली के पंखों में बिल्कुल उसी तरह के धब्बे भी बन जाते हैं जैसे सूखी पत्ती पर फफूंद लगने से उगाते हैं। इस तरह की शक्ल में चिड़िया तो क्या हम आप भी सूखी पत्तियों के बीच इस तितली को पहचानने में आसानी से सफल नहीं हो पाते। बेचारी चिड़िया जो खाने के लिए इस तितली को ढूंढ रही है सामने बैठी है, तितली को सूखी पत्ती समझती है और आगे बढ़ जाती है। तितली की जान तो बच ही गई, चिड़िया भले ही भूखी रह जाए। भला दूसरों को भूख मिटाने के लिए अपनी जान देना कहां की अकलमंदी है। उल्लू जैसी आंखों, धब्बों और धारियों से धोखा मत खाइए। ये उल्लू का सिर नहीं है, ये भी एक तितली ही है। अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस तितली ने उल्लू जैसा रूप बना लिया है। इस तितली के पंखों की निचली सतह पर रंगों के धब्बे और धारियां बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जैसे उल्लू के चेहरे पर पाए जाते हैं। साथ ही दो बड़े बड़े धब्बे इस तरह के होते हैं जैसे मानो उल्लू की आंखें हों। आमतौर पर इस तितली को कई तरीके की चिड़ियां और कीड़े खाने वाले बंदर बड़े शौक से खाते हैं। अपने को इन दुश्मनों से बचाने के लिए ये तितली पत्तियों के बीच अपने पंख फैलाकर उनकी निचली सतह दुश्मनों की तरफ करके इस तरह बैठ जाती है कि लगता है कि पत्तियों के बीच उल्लू बैठा है और उसका सिर दिखाई दे रहा है। इस तितली के दुश्मन बंदर और चिड़िया उल्लू से बहुत डरते हैं क्योंकि उल्लू उनकी जान का दुश्मन होता है। अब इस तितली को इस तरह पत्तों के बीच बैठा देखकर चिड़िया और बंदर इसे उल्लू समझकर धोखा खा जाते हैं और डर के मारे इसके पास भी नहीं भटकते। है ना उल्लू के सिर की नकल करके दुश्मन से जान बचाने का यह अनोखा तरीका। यहां एक तितली भी मौजूद है, नहीं पता लग पा रहा है ना। असल में जो लाल रंग की फूल जैसी आकृति दिखाई दे रही है वही है तितली। इसका असली रूप यह नहीं है, यह शक्ल तो इसने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बना रखी है। यह तितली ब्राजील में पाई जाती है। जंगल में फूलों के ऊपर नाचती तितली को जैसे ही लगता है कि कोई दुश्मन आसपास मौजूद है ये तुरंत जमीन पर बिना हिले डुले चुपचाप सिमट कर बैठ जाती है। ऐसी हालत में तितली बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे जमीन पर पत्तियों के बीच कोई सूखा हुआ फूल गिरा पड़ा हो। जंगल में गिरी हुई पत्तियों और फूलों के बीच ये तितली इस तरह घुल मिलकर छिप जाती है कि चालाक से चालाक दुश्मन को भी आसानी से दिखाई नहीं देती।
आसपास किसी चीज जैसा रूप बनाकर जान बचाने का इसने ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। यह शक्ल एक बिच्छू की है, लेकिन इसे चिड़िया नहीं खाती, क्योंकि इस तरह के बिच्छू का स्वाद बहुत खराब होता है। लेकिन यह बुरे स्वाद वाला बिच्छू नहीं है, यह है एक रात में विचरने वाला पतंगे का लार्वा। इस लार्वा ने बुरे स्वाद वाले बिच्छू के रंग रूप और आकृति की जैसी अपनी शक्ल इसलिए बना रखी है कि इसकी दुश्मन चिड़िया धोखा खा जाए। वैसे चिड़िया इस लार्वा को शौक से खाती हैं, इसलिए अपने दुश्मनों से बचने के लिए लार्वा अजीब और गरीब शक्ल की आकृति बनाकर बिच्छू जैसा हो जाता है। आपको इस चित्र में एक खाली पौधा ही दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, यहां टहनियों के बीच स्टिक कीड़ा भी छिपा है। बेचारे स्टिक कीड़े ने भी यह रंग रूप अपनी दुश्मन चिड़ियों से बचने के लिए बना रखा है। इस कीड़े को अपना भोजन बनाने के लिए खोज रही होती है दुश्मन, और इसलिए ये पेड़ों की टहनियों का आकार ले लेता है, और आकार बिल्कुल पेड़ की टहनियों जैसा बना लिया है। और फिर दुश्मन का आभास पाते ही ये टहनियों के बीच बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले बैठ जाता है। बेचारी भूखी चिड़ियां इस तरह बैठे कीड़े को पेड़ की टहनी समझकर धोखा खा जाती हैं और अनदेखा करके आगे चली जाती हैं। यह है एक लीफ कीड़ा। इस जाति का नर मादा से आकार में छोटा होता है, लेकिन दोनों ही अपने वातावरण में पाई जाने वाली पत्तियों जैसे रंग रूप के कारण ही अपने दुश्मनों से बच पाते हैं। मादा कीड़ों की पीठ पर पंखों की आकृति बिल्कुल पत्ती जैसी बन जाती है, यहां तक कि उस पर पत्तियों जैसा शिराओं का जाल भी बन जाता है। रंग में भी कीड़ा पत्ती जैसा ही होता है। दुश्मन का आभास पाते ही यह कीड़ा भी पत्तियों के बीच बिना हिले डुले बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है। अब पत्ती जैसी आकृति और रंग रूप के कारण यह कीड़ा पत्तियों में इस तरह छुप जाता है कि इसे दुश्मन आसानी से ढूंढ नहीं पाते। तो बच्चों, तुमने देखा कि कीड़े किस तरह दुश्मनों से जान बचाने के लिए तरह तरह के रंग, आकार और अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं।